हेलो एवरीवन, आई ज्योति अग्रवाल वेलकम यू ऑल टू विद्या ज्योति बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी। सो टुडेज टॉपिक इज बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स। बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए और उनके डिफरेंट नेम्स या डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में भी हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए। सो सबसे पहले इन बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं जो जेनेटिक्स पढ़ने से पहले हमें क्लियर होने चाहिए। सो फर्स्ट इज डीएनए, क्रोमैटिन मटेरियल, क्रोमोसोम्स एंड जीन्स, ये सब क्या होता है। यहाँ पर मैंने एक सेल बनाया, आप इसे समझ लीजिए कि ये एक ह्यूमन सेल है। इस ह्यूमन सेल के न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए है। अब डीएनए क्या होता है? डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए को कहीं आप देखेंगे लिखा होता है क्रोमैटिन मटेरियल और कहीं लिखा होता है क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम और क्रोमैटिन मटेरियल में डिफरेंस क्या है? जब सेल को डिवाइड नहीं होना होता, जब सेल नॉर्मली अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, फॉर एग्जांपल अभी आपके फिंगर, आपके हैंड या आपके स्किन के जो भी सेल्स हैं वो नॉर्मल हैं, अभी दे आर नॉट डिवाइडिंग, तो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो डीएनए है वो एक धागे की तरह नॉर्मली ऐसे पड़ा हुआ होगा, एक फाइबर की तरह पड़ा हुआ होगा। जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा उस टाइम डीएनए को क्रोमैटिन मटेरियल बोलेंगे, जो कि उसकी अनफोल्डेड स्टेट है। बट जब सेल को डिवाइड करना है, फॉर एग्जाम्पल आपके फिंगर में कोई कट लग गया है, आपको कहीं इंजरी हो गई है, तो उसके आसपास के सेल्स, इंजरी अगर आपको कोई हो गई है और आपको एक कट लग गया है, तो इसके आसपास के जितने भी सेल्स हैं उन्हें सिग्नल मिलता है कि भाई डिवाइड हो, सो दैट ये वाला गैप फिल कर सके। सो अब इन सेल्स को डिवाइड होना है, तो ऐसा ही एक सेल ये समझ लीजिए। तो जब इस सेल को डिवाइड होना है, तो जब भी आपको एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाना होता है तो आप क्या करते हैं? आप अपने कपड़े पैक करते हैं। तो सिमिलरली सेल अपने अंदर की जितने भी चीजें होती हैं उनको समेटता है, उनको पैक करता है। तो सेल अब कुछ ऐसा दिखेगा, सेल के अंदर का ये फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियस है। अब वो अपने जेनेटिक मटेरियल को पैक करेगा, किसकी हेल्प से पैक करेगा? कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनको बोला जाता है हिस्टोन प्रोटीन्स। उन प्रोटीन्स के ऊपर ये जो डीएनए है, ये क्रोमैटिन मटेरियल है, जैसे उलझा हुआ है या फिर धागे की फॉर्म में, लूज फाइबर की फॉर्म में पड़ा है, ये लूज फाइबर अपने आप को इस तरीके के प्रोटीन्स होते हैं इनके ऊपर रैप करता है, इन प्रोटीन्स के ऊपर इस तरीके से रैप करता है, इन प्रोटीन्स के ऊपर ऐसे ऐसे करके रैप करता जाता है अपने आप को, और इस तरीके से वो कंडेंस हो जाता है, उसकी फोल्डिंग हो जाती है। इन प्रोटीन्स को जैसे कि मैंने बताया क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है हिस्टोन प्रोटीन्स। सो जब ये पूरा पैक हो जाता है अच्छे से, तब ये एक क्रोमोजोम की फॉर्म ले लेता है। पैकिंग के बाद ये ऐसे एक क्रोमोजोम की फॉर्म ले लेता है। तो बेसिकली क्रोमोजोम क्या होता है? क्रोमोजोम इज पैक्ड फॉर्म ऑफ डीएनए, जिसके अंदर डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। अगर आपको हिस्टोन वर्ड ना याद रहे तो बस आप प्रोटीन याद रख सकते हो। सो क्रोमोसोम इज डीएनए प्लस प्रोटीन, बेसिकली क्रोमोसोम इज द पैकेज्ड फॉर्म ऑफ डीएनए व्हेन अ सेल हैज टू डिवाइड, वेयर एज क्रोमैटिन मटीरियल इज लूज फॉर्म ऑफ डीएनए, लूज फॉर्म ऑफ डीएनए व्हेन सेल इज नॉट डिवाइडिंग, वेन द सेल इज नॉट इन द डिवाइडिंग स्टेट, तो वैसे ही लूज पड़ा रहता है। तो दिस इज क्रोमैटिन मटीरियल, वेयर एज दिस इज क्रोमोसोम। इसके अंदर ये जो डीएनए है ये कंडेंसली पैक होके इस तरीके से रखा हुआ है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जीन्स क्या होती हैं। अब डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, क्रोमैटिन मटेरियल को एज रेफरेंस आप लो, इस तरीके से एक धागा होता है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली ऑफ 2 मीटर्स, जो कि एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर समाया होता है। अब अगर मैं इस धागे को खींच के एकदम सीधा करके रखूं तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। एक्चुअली ये एक धागा दिख रहा है, बट डीएनए में जो धागे होते हैं वो 2 होते हैं। इस तरीके का धागा होता है जिसके अंदर 2 धागे होते हैं और दोनों हेलिक्स में ऐसे राउंड राउंड फॉर्म में अरेन्ज्ड होते हैं, बट दोनों धागे एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तभी आप देखिए मैं स्ट्रक्चर थोड़ा सा इस तरीके से बना रही हूँ कि ये पैरेलल आपको दिखे। सो ये 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, स्ट्रैंड नंबर 1 डीएनए का और डीएनए का स्ट्रैंड नंबर 2। सो डीएनए इज एक्चुअली अ डबल
डबल क्यों? क्योंकि दो स्ट्रैंड्स हैं और हेलिक्स बना हुआ है, तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. सो डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, इस तरीके का होता है हमारा डीएनए. इसलिए अब बात आ गई कि जीन्स क्या होती हैं. सो ये अगर मैं इस डीएनए को भी एकदम पूरा खींच के सीधा कर दूं कि इसका हेलिक्स सीधा हो जाए, तो दोनों स्ट्रैंड्स ऐसे पैरेलल फॉर्म में आ जाएंगे. अब होता क्या है कि डीएनए में एक के बाद एक जीन्स लगी हुई होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज जीन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे करते करते बहुत सारी जीन्स लगी हुई होती हैं. कोई स्पेसिफिक नंबर में यहाँ पर नहीं बोलूंगी, थाउजेंड्स के नंबर्स में जीन्स होती हैं डीएनए के ऊपर, और हर दिन हर थोड़े टाइम में नई नई जीन्स डिस्कवर हो रही हैं. सो वील नॉट टॉक अबाउट द नंबर्स, बट बहुत सारी जीन्स होती हैं. सो जीन नंबर 1, 2, 3, 4, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी जीन्स होती हैं. अब हर जीन एक ना एक कैरेक्टरिस्टिक हमारी बॉडी का कोड कर रही होती है. मतलब कोड कर रही होती है का मतलब क्या है, डीएनए के इतने पार्ट को हम लोग जीन बोल रहे हैं. मतलब हर इतने पार्ट को हम लोग जीन बोल रहे हैं. ये सब इंडिविजुअली जीन्स हैं. ये पार्ट इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन या फिर मैसेज फॉर अ पर्टिक्युलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बॉडी, पर्टिक्युलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बॉडी. फॉर एग्जाम्पल आपकी हाइट, फॉर एग्जाम्पल जीन 1 जो है वो हाइट के लिए कोड कर रही है. फॉर एग्जाम्पल जीन 2 आपके बॉडी के कॉम्प्लेक्शन के लिए कोड कर रही है. जीन 3 आपके आई में जो आयरिस है उसके कलर के लिए कोड कर रही है. किसी की आयरिस ब्लैक होती है, किसी की ब्राउन होती है, किसी की लाइट ब्राउन होती है, किसी की ब्लू होती है, किसी की ग्रीन होती है, किसी की ग्रे होती है. तो ये सब जो कोडिंग है, ये कि कौन सा कलर बनेगा आयरिस का, ये कौन बता रहा है, ये जीन्स बता रही हैं. तो जीन के अंदर ये इंफॉर्मेशन छुपी हुई है कि कौन सा कलर होगा इस पर्टिकुलर पर्सन के आयरिस का. ऐसी जीन्स के अंदर छुपा हुआ है कि उसकी स्किन का टेक्सचर कैसा होगा, उसके हेयर का टेक्सचर कैसा होगा, उसके हेयर स्ट्रेट होंगे या उसके हेयर कर्ली होंगे. ये हर चीज का जो इंफॉर्मेशन है, ये डीएनए के अंदर कंपार्टमेंट्स हैं जिन्हें हम जीन्स बोलते हैं, उनके अंदर ये छुपा हुआ है. सो आई थिंक अब आप लोगों को क्लियर हो गया कि डीएनए क्या होता है. डीएनए एक मॉलिक्यूल है जो कि एक जेनेटिक मटेरियल है. अभी बात करेंगे कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है. सो डीएनए, और डीएनए को कभी हम क्रोमैटिन मटेरियल बोल देते हैं, कभी हम क्रोमोसोम बोल देते हैं. क्रोमैटिन मटेरियल इज व्हेन इट इज इन द लूज फॉर्म, व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग, वो अपने रिलैक्सिंग स्टेट में बैठा हुआ है. क्रोमोसोम ऑन द अदर हैंड इज द पैकेज्ड फॉर्म ऑफ डीएनए व्हिच इज पैकेज्ड विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन. सो इफ वी टॉक अबाउट क्रोमोसोम, क्रोमोसोम इज डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स. और ये कब होता है, जब उसे डिवाइड होना होता है सेल को. नेक्स्ट हमारा आगे कि अगर हम डीएनए की बात करें और इस डीएनए के हेलिकल स्ट्रक्चर को खोल दें, तो खोल कर ये कुछ इस तरीके से दिखेगा. इसमें दो स्ट्रैंड्स होते हैं, और अगर मैं इसको भी पूरा स्ट्रेच करके खोल दूं, तो ये इस तरीके से दो पैरेलल हमें स्ट्रैंड्स दिखेंगे. अब दो पैरेलल स्ट्रैंड्स जो हैं, ये एक्चुअली में क्या कंटेन कर रहे हैं, अपने अंदर बहुत सारे बॉडी के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स की इंफॉर्मेशन कंटेन कर रहे हैं. और इनके अंदर जो कंपार्टमेंट्स हैं, इनको हम जीन्स बोल रहे हैं. और जीन्स वो पर्टिकुलर कंपार्टमेंट्स हैं जो एक एक कैरेक्टरिस्टिक के लिए इंफॉर्मेशन अपने अंदर रखी हुई है. सो आई थिंक ये वाला पार्ट हमें क्लियर हो गया है. अब आपको पता है कि डीएनए क्या है, क्रोमैटिन मटेरियल क्या है, क्रोमोसोम क्या है और जीन क्या है.